गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको अपनी डेकोरेशन के बारे में जो मैंने अपनी कज़न की शादी में की थी। मैंने मटके खरीदे थे सादे और उसके ऊपर डेकोरेशन की थी और मैंने लिए थे शीट्स, ली थी ग्लिटर वाली और उससे प्रॉप बनाए थे। तो आपको दिखाते हैं ये सब। इस मटकों के जो डेकोरेशन के लिए जो जो मैंने चीज़ें इस्तेमाल की थी उनमें से है ये लेस। पहले मैंने ये वाली लेस लगाई ऐसे करके, फिर उसके बाद लगाई थी ये वाली लेस ऐसे, फिर ये लगाने के बाद मैंने लगाई थी ये वाली लेस फिर से। तो ये चौड़ी भी हो गई एक तरीके से और खूबसूरती भी आ गई इसमें। दूसरी बात ये कि ये वाली शेप के मैंने अलग लिए थे शीशे और ये वाली शेप के अलग लिए थे। दूसरी बात ये जो मैंने लेस लगाई थी, ये जो लेस है वो एक ही लेस है पूरी, इसको मैंने डबल करके ही लगाया हुआ, ये एक ही लेस है लेकिन ये ख़त्म हो गई तो मैं दिखा नहीं सकती। तो इन सब मटकों को बनाने में खर्चा जो आया है वो समझो 2,500 रुपये इतना है, 2,500 रुपये। तो ये होता है कि आप बना भी लेते हैं, आपकी डेकोरेशन के लिए भी हो जाते हैं शादी वगैरह के लिए, और दूसरी बात ये कि आप संभाल के रख भी देते हैं कि नेक्स्ट शादी में इस्तेमाल करने के लिए। ये हमने ऐसे ले लिया था 250 रुपये का, ये हमें पूरा पड़ा था, ये शोपीस है मेहंदी के डेकोरेशन में रखने के लिए। जग मिला था इसके साथ, हमें 4 ग्लास मिले थे छोटे छोटे। तो ये चीजें काम आती जाती हैं। और मैंने ये वाली लेस जो है वो इस मटको के यहाँ पे भी लगाई थी बाउंड्रीज में, ये जो नोक मटके की जो नोक होती है ये वाली, इस पे भी लगाई थी। ये जो मटकों की शीट है ये आपको आसानी से दुकान पर मिल जाएगी, जो मैं आम मटके जो मैंने ये वाले मटके दुकान से पूछे तो उन्होंने मुझे सिर्फ बिल्कुल सादा मटका था, ये ऐसे ही वाली येलो वाली शीट लगी हुई थी और ना उसमें यहाँ पे शीशे लगे हुए थे ऐसे, और ये बिल्कुल सादा था और यहाँ पे एक लेस लगी थी। उन्होंने मुझे बोला 500 का एक मटका, तो मैंने सोचा कि घर में क्यों ना मैं मटका डेकोरेशन डेकोरेट कर लूँ। तो फिर मैंने घर में मटका बनाया जो कि मुझे बहुत ही सस्ता पड़ा, यहाँ पे मुझे ये 100 रुपये का मटका पड़ा और ये शीशे मैंने अलग से ख़रीदे, कुछ शीशे मेरे पास घर में पड़े थे। और ये लेस, आपके पास घर में भी लेस हो तो आप वो भी लगा सकते हैं, और जो आपके पास नहीं हो तो आप खरीद भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं बहुत महंगी वाली एक्सपेंसिव हो। तो ये है कि, और ये वाले शीशे मेरे पास बच गए थे तो फिर मैंने इसको मटके के इधर लगा लिया, तो ज़ाया भी नहीं हुए और यूज़ भी हो गए और अच्छा मटका बन गया। तो ये मटका अगर हम खरीदने जाएंगे ऐसे मटके तो हमें ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेंगे। तो मेरा कहना है कि आप घर में डेकोरेट करें और संभाल के रखें, और क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये इस्तेमाल होते रहता है, ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है अगर आप इसको ख्याल से रखें। तो मैंने प्रॉप्स बनाए थे, Thank you.
पर मैंने मटकों के डेकोरेशन के साथ साथ मैंने अपने रूम के लिए दो तीन फ्रेम भी बनाए थे। ये फ़ोटो फ्रेम है, ये टहनी दरख्त की शाख की तरह आ रही है और नीचे जो डंडियाँ हैं उस पर फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, और ये जो है ये फ्रेम है। तो कमरे का कलर ग्रे है, डार्क ग्रे और लाइट ग्रे, तो उसके लिहाज से मैंने वो फ्रेम बनाया था। और मैंने मटकों का इस्तेमाल ऐसे किया था कि गुलाब का एक बंच बनाने के बाद वो मटकों का जो सर्किल होता है उसके ऊपर रखा था। ये वो प्रॉप्स हैं जो मैंने बनाए थे फोटोशूट के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।